हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने कंप्यूट मैथ देख रहे थे। तो कंप्यूट मैथ में हमने पहले पार्ट वन की वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले पार्ट में प्रोग्राम किया था, वैसे ही एक सिंपल सा हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट कॉइल लेता हूँ। तो इनपुट कॉइल को मैं एक एड्रेस देता हूँ i0.0। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टॉप स्विच लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ऐड लिखता हूँ i0.1। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक आउटपुट लिखता हूँ डम्मी बिट। यहाँ पे उसको ऐड लिखता हूँ em0.0। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लैच करता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली मैंने जैसे स्विच छोड़ भी दिया तो हमें क्या होना चाहिए, हमारा सप्लाई कंटिन्यूसली ऑन रहना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट का एड्रेस देता हूँ। आउटपुट का एड्रेस देने के बाद क्या हमें यहाँ पे एक टाइमर लेना है, मतलब एडिशन को रिसेट करने के लिए। तो सॉरी सॉरी जो हमारा डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई या डिवीजन करने के लिए तो हमें यहाँ पे टाइमर चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनपुट कॉइल देता हूँ। इनपुट कॉइल को जैसे हमारा ये आउटपुट ऑन हो जाएगा तो हमें हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसका ही एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया, तो मैं यहाँ पे टाइमर का एक ब्लॉक लेता हूँ। तो इसको मैं टी ऑन देता हूँ। टी ऑन देने के बाद यहाँ उसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रीसेट की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, दो चाहिए। तो t#2s यहाँ पे मैं देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया, यहाँ पे आपको कोई एड्रेस नहीं देना। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक आउटपुट का एड्रेस देता हूँ। आउटपुट का एड्रेस क्या देता हूँ मैं यहाँ पे, उसको भी मैं डम्मी बिट देता हूँ, em0.1। यहाँ पे em0.1 डम्मी बिट देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इसको एक एनो देना है। तो एनो को क्या एड्रेस देना है हमें, यही जो टाइमर का आउटपुट है वही आउटपुट हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आउटपुट देने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन का एक ब्लॉक लेना है। मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे em W 100 का एक एड्रेस देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देने के बाद यहाँ पे क्या हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे 2 करता हूँ। तो आपको जितने से मल्टीप्लाई करना है उतने की वैल्यू यहाँ आप दे सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, सेम वही एड्रेस देना है एक्यूमुलेटर में। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देने के बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, आउटपुट का एक कॉइल लेनी है। तो यहाँ पे इसको भी मैं एक मेमोरी बिट का एड्रेस देता हूँ। इसको एड्रेस देने के बाद सबसे पहले अब क्या हमें क्या करना है, हर 2 सेकंड के बाद टाइमर रिसेट होना है। तो रिसेट करना है तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे टाइमर का ही आउटपुट यहाँ पे NC लेकर देते हैं। तो क्या होना चाहिए, 2 सेकंड पे, हर 2 सेकंड के बाद टाइमर रिसेट होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इक्वल लेना है। तो इक्वल क्यों लेना है, जैसे यहाँ पे वैल्यू आप मतलब यहाँ पे मैं जो वैल्यू दूंगा वो वैल्यू इक्वली हो जाएंगी तो हमें क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देख लीजिए, अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू की मतलब रेंज में आपको क्या देना है, वैल्यू देनी है। तो आप कुछ भी देंगे और वो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम क्या करके यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 128 देता हूँ, मतलब 128 देता हूँ। तो देख लीजिए, जैसे ही 128 यहाँ पे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैं आउटपुट देता हूँ, जैसे 128 यहाँ पे इक्वल हो जाएगा तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। और जैसे हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमारी प्रोसेस स्टॉप करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका ही NC यहाँ पे देता हूँ मैं। तो चलो हम इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ये कैसा वर्क करता है। तो यहाँ पे उसको डाउनलोड करने का, डाउनलोड के बाद लोड करने का प्रोग्राम लोड करने के बाद यहाँ पे मॉनिटर ऑन ऑफ पे क्लिक करने का। जैसे कि देख लीजिए, अब जैसे मैं यहाँ से हमारे कंट्रोल पैनल से मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो आउटपुट है डमी आउटपुट ये ऑन हो जाएगा और ऑन हो जाएगा और ये कंटिन्यूस सप्लाई ट्रांसफर करता रहेगा। जैसे ही डमी आउटपुट ऑन हो जाएगा, उसका ही एड्रेस मैंने कहाँ पे दिया, इसको दिया, तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा। और टाइमर ऑन होने के बाद जो डमी बिट है ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हो जाएगा फिर से ये ऑफ हो जाएगा और फिर से एक बार ऑन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट जो है वो हर 2 सेकंड, सॉरी हमारा टाइमर जो टाइमर दो हर 2 सेकंड को क्या हो जाएगा, रिसेट होता रहेगा। उसके बाद जैसे ये मतलब ऑन हो जाएगा, हर 2 सेकंड के बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। और जैसे यहाँ पे इक्वली टू 128 आ जाएंगे तो हमारा आउटपुट जैसे ही
ऑन हो जाएगा तो पूरा मतलब प्रोसेस है वो ऑफ हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उसको स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए, अब जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे टाइमर ऑन हुआ। अब ये यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे जाने का, मॉडिफाई पे जाने के बाद मॉडिफाई ऑपरेंड पे क्लिक करने का। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली मॉडिफाई वैल्यू क्या करना है, वन प्रेस करनी है। वन प्रेस करने के बाद ओके दबाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चालू हो जाएगी। देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चालू हो गई। तो अब हमें क्या, जैसे यहाँ पे इक्वली में 128 आ जाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन। देख लीजिए, ऑन हो गया। और जैसे ही आउटपुट ऑन हो गया तो क्या होगा, हमारी प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, डिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मॉनिटर ऑफ करने का, मॉनिटर ऑफ के बाद सिंपली यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया मल्टीप्लीकेशन पे क्लिक करने का, उसके बाद आपको जो भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन लेनी है उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मुझे डिवीजन लेनी, तो मैं डिवीजन पे क्लिक करता हूँ। तो सिंपली अब प्रोग्राम्स पहले जैसा ही सेम रहेगा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसको अब डाउनलोड करना है। तो उसके पहले क्या करना है, हमें इक्वली में जीरो वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे मैं जीरो वैल्यू देता हूँ। जैसी जीरो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो यहाँ अभी इसको प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं। मॉनिटर ऑन पे क्लिक करते, देख लीजिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो अब यहाँ पे कितनी 128 वैल्यू है जो हमने मल्टीप्लीकेशन की थी। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करके जीरो करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको और एक बार ऑन करते हैं। देख लीजिए, मैंने जैसे ही ऑन कर दिया वैसे ही टाइमर शुरू हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारे डिवीजन शुरू हो गए। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे इक्वली में जीरो आ जाएगा तो हमारा आउटपुट ऑन हो जाएगा। देख लीजिए, हमारा आउटपुट ऑन हो गया। और जैसे ऑन हो गया तो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो स्टॉप हो गया, मतलब हमारी पूरी प्रोसेस स्टॉप हो गई। तो इस वीडियो मतलब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।